Hey, hi friends, welcome in my new video. Today in this video I am going to cover about CMA final both group study planning. Yes, right, CMA final both group study planning, 90 days study planning. कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप फॉलो करते हो नेक्स्ट 90 डेज आपको पास होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये मैं बोल सकता हूँ। ये जो मैं आपको प्लानिंग बताने जा रहा हूँ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रिपेयर किया है कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, किस हिसाब से पढ़ने हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और हम सब कुछ को डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। सो दिस इज द प्लानिंग, ओके, दिस इज द प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करनी है, लाइक सोशल मीडिया। अगले 90 डेज के लिए आप सोशल मीडिया को आप भूल जाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया जहान किसी को भी आप भूल जाओ। अगर आप भूल सकते हो तो आपके लिए बेटर होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मल्टी टास्किंग नहीं बनना है। जब पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है, डोंट थिंक एनी अदर, ओके। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डोंट ईट एनी अनहेल्दी फूड। किसी भी अनहेल्दी फूड को आप मत खाओ एग्जाम के टाइम में, अदरवाइज यू विल नॉट फील कम्फर्टेबल। और जब आप कम्फर्टेबल फील नहीं करोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, दिस इज द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ओवर थिंकिंग। होता क्या है, जब हम बोथ ग्रुप के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो बार बार दिमाग में ये चीज़ आता है, क्या मैं बोथ ग्रुप कर पाऊंगा, क्या मैं बोथ ग्रुप कर पाऊंगा। डोंट थिंक अबाउट दिस, यस यू कैन डू, ओके। बिकॉज दुनिया में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी चीज़ बना है जो कोई और कर सकता है और आप नहीं कर सकते। दुनिया की सारी चीज़ें जो कोई और कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। दैट्स एनी अदर डिस्ट्रैक्शन। अगर आपके लाइफ में कुछ भी और ऐसी चीजें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सो यू कैन अवॉइड इट। दिस आर दी प्रिटी, आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ है जो आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग योर स्टडी। 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 13 आवर्स कम से कम, मिनिमम टारगेट है 13 आवर्स। आपको डेली बेसिस पे आउट ऑफ योर 24 आवर्स 13 आवर आपको स्टडी को देने ही देने हैं किसी भी कीमत पे। अभी 13 आवर में करना क्या है, फर्स्ट थ्री आवर्स आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए देने हैं, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 10 आवर्स आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंगल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट की लिस्ट है, क्या क्या लर्निंग रिसोर्सेज आपको यूज करना है। जो भी आपने, अगर किसी टीचर से अगर आपने क्लासेज लिए तो आप उनके नोट्स को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टडी मैट, स्कैनर्स, MTPs को आप यूज कर सकते हो अपने लर्निंग रिसोर्सेज के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे पास, मैंने 90 डेज क्यों लिया है, ऐसे 95 डेज के अप्रोक्स आ रहा है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो 15 के आसपास से स्टार्ट हो सकता है, एंड आज हम 10 मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो चुका है, तो आप 11 या 12th या 13th से आप कंसिडर कर सकते हो अपने डेट को। सो दिस ऑल डेट्स आर अवेलेबल फॉर यू इन विच यू नीड टू डू योर स्टडी। सो मैंने किस तरीके से अपनी स्टडी की थी अपने CMA फाइनल्स में। मॉर्निंग, मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह 6 बजे उठ जाओ और आप थ्योरेटिकल टॉपिक्स आप याद करने लगो, बिकॉज जब आप सुबह में याद करते हो तो आपको याद हो जाता है, ऐसा लॉजिक मैं आपको नहीं कहने वाला, बिकॉज ये खुद भी मैंने नहीं अप्लाई किया है, ठीक है। जो मैंने अप्लाई किया है मैं आपको ये कहूँगा, मैं अप्रॉक्स 8 बजे मैं उठता था, 8 AM, कभी कभी 9 भी बज जाते थे। मैं अपने लैपटॉप पे लिख रहा हूँ तो थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, फर्स्ट टाइम है। तो 8 या 9 बजे मैं सुबह में उठता था, ये मेरा उठने का टाइमिंग था। इसके बाद 1 आवर आप ब्रेक ले सकते हो, फ्रेश फ्रेश ये सब होना, देन फर्स्ट 3 आवर्स का आप टारगेट लो। इस 3 आवर्स के अंदर देखो, अगर आप फाइनल लेवल पे हो, आपके पास थ्योरेटिकल टॉपिक्स क्या क्या आता है, एक आपका लॉ का सब्जेक्ट हो गया जो आपके लिए थ्योरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट टैक्स, इसमें भी आपके पास थ्योरी है, इनडायरेक्ट टैक्स थ्योरी है आपके पास, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट और ये,
एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच सब्जेक्ट हैं जहां पे आपके पास थ्योरेटिकल टॉपिक्स अच्छे खासे हैं। अब इन थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है, 3 घंटे में कैसे क्या करना है? देखो, लॉ को तो आप फिक्स कर दो 100% डेली, 1 से 1.5 घंटे के लिए आप लॉ को आप फिक्स कर दो, मिनिमम 1.5 आवर्स आप लॉ के लिए आप फिक्स कर दो, जिसमें एक चैप्टर आपका डेली बेसिस पे आपका कवर हो सकता है, फर्स्ट 1.5 आवर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें 2 दिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप भूल जाओगे, इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सेम टॉपिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। डायरेक्ट टैक्स में इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे आपको अमाउंट्स फिगर्स याद करने पड़ेंगे, तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा याद करने के लिए। सो इसको आप डेली बेसिस पे नहीं, बट हाँ वीक में आप 3 डेज का आप टारगेट लेके चल सकते हो, मैं 1 वीक का टारगेट आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। 3 डेज आप डायरेक्ट टैक्स लेके चल सकते हो, एंड नेक्स्ट 3 डेज के लिए आप इसमें से आप SPM VVM को आप ले सकते हो, ठीक है। ये आप 3 डेज के लिए आप इसको भी आप पिक कर सकते हो, SPM VVM। रेस्ट 1 डेज बजा, देखो कॉस्ट ऑडिट का जो पेपर है उसमें जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं है, हर एक टॉपिक में सेम कंक्लूजन। अगर आपको स्पेशल ऑडिट के लिए बोला जाता है तो स्पेशल ऑडिट के 4-5 पैरामीटर्स हैं, कंस्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, इनकम सोर्स, एक्सपेंसेस सोर्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, यही चेक होता है, ठीक है। सेम अदर टॉपिक्स के साथ भी है, तो बहुत वाइड स्कोप नहीं है कॉस्ट ऑडिट में। तो कॉस्ट ऑडिट का जो आपका रिवीजन प्लान है आप उसी के साथ भी आप कर सकते हो, अदरवाइज वीक में अगर एक दिन आप 3-3, 6 दिन हो गया, 1 दिन आप कॉस्ट ऑडिट को आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप प्लानिंग कर सकते हो। बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी मैं आपको यही कहूंगा कि जो सब्जेक्ट है आप उसको उसी के साथ करो। अब कैसे करना है हमें रिवीजन, किस तरीके से करना है? तो फर्स्ट 3 आवर्स मैंने आपको अलॉट करवा दिया था आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए, नेक्स्ट 10 आवर्स आपके पास बचते हैं। मैं क्या करता था अपने टाइम में, मैं हर एक सब्जेक्ट के साथ एक टारगेट लेके चलता था। मेरा टारगेट जो होता था स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं उसको टारगेट देता था, 1 सेकेंड ना, ड्रॉ पे आना पड़ेगा मुझे इरेजर, ओके फिर ड्रॉ पे आओ, ओके। सो जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे होगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, नेचुरल है, ठीक है। तो मैं 3 डेज का फर्स्ट रिवीजन, यस, इसमें मैं क्या करता था, जैसे 1 डे थ्योरी, थ्योरी बोले तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस टॉपिक्स के, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर में एक बार पहले सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेता था, लाइक क्योंकि जैसे होता क्या है डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं, क्वेश्चंस में कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, सेम GST में भी हो सकता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में, तो इसलिए मैं एक यूनिवर्सल रूल था जो मैं फॉलो करता था, फर्स्ट डे सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चैप्टर बाई चैप्टर, सेकेंड एंड थर्ड डे मैं सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे हाईलाइटेड होते थे, कि इस सब्जेक्ट का मेरे पास 20 या 30 क्वेश्चंस का एक वॉल्यूम होता था जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने पहले से हाईलाइट कर रखे थे। अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास अभी टाइम है, आप हाईलाइट कर लो। इसमें मैं क्या करता था, मैं अप्रोक्स 6-7 क्वेश्चंस चैप्टर बाई चैप्टर मैं सॉल्व करता था पेन और पेपर के साथ, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन रखा और आंसर बुक सामने रखा चेक कर लिया, ऐसे नहीं, पेन और पेपर के साथ सॉल्व करता था, आंसर को मैच करता था, जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम है सॉरी उसको मैं रेक्टिफाई करता था, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी बन जाती थी, पेपर में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। इस तरीके से करके मैं हर एक चैप्टर को 2 दिन में सारे सब्जेक्ट में कवर कर लेता था, यानी 3 डेज के अंदर आपका फर्स्ट रिविजन कम्प्लीट हुआ, राइट। अब ये 3 डेज के अकॉर्डिंग टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट है फर्स्ट रिवीजन के लिए, तो 24 × 8 करते हैं, हाउ मेनी डेज, टोटल आपके पास 24 डेज हो जाते हैं, यानी 24 डेज में आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो एक चीज़,
आपने ऑलरेडी एक बार कर ली है, जब आप दोबारा करने जाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो जो सेकेंड रिविजन का आपका टारगेट होगा वो 2 डेज का होगा। 2 डेज में आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? अब आपको ऑलरेडी थोड़ी सारे टॉपिक्स आपने देख रखा है, जस्ट एक बार पेज आपको पलटना है, टॉपिक्स देखने हैं, फॉर्मूलाज आपको याद करना है, रिकॉल करना है, एंड देन अगेन जो आपने 6 to 7 क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट टाइम रिविजन में जो सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उसको स्टार मार्क लगा दो अपने एग्जाम टाइम के रिविजन के लिए। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करो नहीं करो ये देखने का, तो इस 6 to 7 क्वेश्चन में आप स्टार मार्क लगा दो। इस 2 डेज के अंदर फिर से आप वॉल्यूम 6 to 7 क्वेश्चंस का रखो। इस बार आप क्या कर सकते हो सकता है आप 6 to 7 क्वेश्चंस आप सारा सॉल्व मत करो, लेकिन आप 4 to 5 क्वेश्चंस तो आप जरूर सॉल्व करो पेन एंड पेपर पे, और वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप आंसर शीट सामने रख के कर लो, नहीं, विदाउट आंसर शीट आपको करना है, राइट। इस तरीके से आप 2 डेज में आप रिविजन कम्प्लीट कर लोगे। अगर हो सकता है वो 10 आवर में ना हो तो आप एक्स्ट्रा आवर्स आप दो, बट टारगेट 2 डेज का ही होना चाहिए। सो नेक्स्ट रिवीजन आपकी कितने डेज में कंप्लीट होगी? 2 डेज × 8 16 डेज, यानी अब आप पहुंच चुके हो अपने 0, 1, 3, 1, 4 40 डेज आपके हो चुके हैं। 40 डेज के अंदर आपका 2 रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी आपको 1 रिवीजन और कंप्लीट करना है, सो फिर अगेन 2 डेज पर सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट आपको लेके चलना है साइमल्टेनियसली। आप 3 घंटे से 4 घंटे आप थ्रूट को टाइम दो, बाकी रेस्ट जितना जितना आप टाइम दे सकते हो, लेकिन 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है। इस बार फिर अगेन जब आप रिवीजन करने जाओगे तो जो ये क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन थे, इन दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे। नेक्स्ट कोई से भी 6 to 7 क्वेश्चन आप उठाओगे और आप सॉल्व करोगे। आपको दिमाग में क्या रखना है? स्टेप्स, हर एक क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है उसका क्या स्टेप्स, वो आपको दिमाग में रखना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय क्या ध्यान देना है? आपकी प्रेजेंटेशन, जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, बिकॉज पेन और पेपर पर लिखने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा कि प्रेजेंटेशन आपको कैसे रखनी है। सो अगर आप इस तरीके से करोगे अगेन तो आपके पास ये भी 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, एंड इसको भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 56 डेज में आपका 3 रिवीजन मैंने आपके कंप्लीट करवा दी है, राइट। अब हम बात करते हैं लास्ट 30 डेज के लिए। देखो लास्ट 30 डेज के लिए आपको करना क्या है? स्कैनर्स, बिकॉज अब आप इतने प्रिपेयर हो चुके हो कि आप स्टडी मैट और ये सब कुछ आपने कर लिया है, तो अब स्कैनर्स, MTP, अच्छा MTP भी मैं आपको ये कहूँगा लाइक GST, इनकम टैक्स, और आपका जो लॉ का सब्जेक्ट है इसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के आप MTPs आप सॉल्व मत करो इन सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया आपका, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो गया, ठीक है, SPM, BBM हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, जिसमें आपको मालूम है कि अमेंडमेंट्स पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं आए हैं, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक ऑल्सो प्रीवियस ईयर MTPs फॉर दिस सब्जेक्ट्स, ओके। मैंने खुद भी किया है और मैं आपको ये बता सकता हूँ अप्रोक्स आप 5 to 10 marks का वेटेज लेके चल सकते हो MTPs से क्वेश्चंस आते हैं, स्कैनर से भी क्वेश्चंस आते हैं, सेम अमाउंट मैच नहीं करेगा बट वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़ा सा बहुत चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है क्वेश्चन में। तो स्कैनर्स, MTP, ये सब कुछ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टडी मैट भी एक बार गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी फैकल्टी से अगर आपने क्लासेस ली है तो इस टाइम में आप स्टडी मैट को भी आप जस्ट रिकॉल कर सकते हो उस रिकॉल के प्लान में। तो इस 30 डेज में क्या करना है, आप ऐसा कर सकते हो, यू हैव 30 डेज सो अभी भी आप 2 बार तो आप रिविजन कर सकते हो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग। तो आप स्कैनर में क्या होता है, ऑलरेडी चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन होते हैं, तो आप, और मुझे नहीं लगता मैक्सिमम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा एक चैप्टर में होगा स्कैनर के, मैक्सिमम 10 लॉन्ग क्वेश्चन। सो उस 10 में से आप 5 questions को आप सॉल्व करो और 5 questions को आप देख लो, अगर कुछ नया है तो उसको नोट डाउन कर लो और नया नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अगर 5 questions भी आप सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता 1 से 2 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट का रिविजन कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, वो डेफिनेटली आपकी कम्प्लीट हो जाएगी, ओके।
सो इस तरीके से करके आप अपनी कंप्लीट रिवीजन कितने टाइम्स हो गए? हमने यहाँ पे रिवीजन किया था, फर्स्ट रिवीजन 24, सेकेंड, थर्ड, ओके, एंड यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ रिवीजन आपकी हो जाएगी। और 5 बार रिवीजन करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फेल कर सकता है। लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, लास्ट डे ऑफ एग्जाम, इसे मैं ऐड कर देता हूँ, होगा क्या? देखो, आपके पास मैक्सिमम 10 आवर्स के टाइम्स होते हैं एग्जाम्स के लिए, और उस 10 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। सो जब आप ये रिविजन्स कर रहे हो, आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से हाईलाइट कर लेने हैं कि उस एग्जाम के टाइम में हर एक चैप्टर के वो 5 सिलेक्टिव क्वेश्चन ये होंगे जो मैं देख लूंगा, राइट? सेकंड, आपके पास फेयर कॉपी एक होनी चाहिए जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हो, या समरी बुक कह लो, नोटबुक कर लो, कुछ भी है, आपके पास एक ऐसा होना चाहिए जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के वो होने चाहिए, अदरवाइज लास्ट मोमेंट रिविजन आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन सिलेक्टिव आपके पास होने चाहिए लास्ट मोमेंट के लिए, प्लस आपके पास कॉन्सेप्ट्स की बुक होनी चाहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कुछ बुक्स मैं आपको रेफर कर देता हूँ, अभी भी टाइम है, आप बाय कर सकते हो। डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए आप बुराना सर की आप कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद भी लास्ट मोमेंट पे यूज किया था। दिसंबर में मेरा पेपर था, एंड थिंक मैंने अक्टूबर में उसको बाई किया था और मेरे पेपर अच्छे गए थे, 55 मार्क्स मेरे आ गए थे डायरेक्ट टेक्स में। तो इस तरीके से आप कुछ रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई यूट्यूब पे कोई ऐसी फैकल्टी है जिसकी रिविजन वीडियोज आपके काफी आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसके बेसिस पे भी आप उनके नोट्स को ले सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट रिविजन करने के लिए। 10 आवर में क्या करना है, वो जो 5 सिलेक्टिव क्वेश्चन थे चैप्टर बाई चैप्टर उसको देखना है। बट फर्स्टली आपको क्या देखना है, सारे कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल करके जाना है। चाहे आप एक क्वेश्चन कम देख लो चलेगा, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला में कोई भी कंप्रोमाइज मत करना याद करने और रिकॉल करने में। बिकॉज मुझे प्रॉब्लम कॉस्ट ऑडिट के पेपर में आया था, मैंने कुछ टॉपिक्स थे उसके जो मैंने स्किप कर दिए थे, और जब मैं पेपर में गया उसी से क्वेश्चन आ गया। ये कहो कि मेरा गुड लक कि मैंने फिर भी उसमें एग्जेम्पशन लेके आया कॉस्ट ऑडिट में, बट ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? एंड सब कुछ इस सिस्टमेटिक वे में आपको करनी है। 5 टाइम्स रिवीजन प्लान आपके सामने है, एंड इस 90 डेज में अगर आप 5 टाइम्स रिवीजन करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप पास करोगे ही करोगे। कभी भी किसी और के बातों पे मत आना कि सामने वाले ने कह दिया कि यार वो सिंगल ग्रुप पे आ गया। बिकॉज जब आप बोथ ग्रुप ले जाते हो, आपके काफ़ी सारे दोस्त होंगे जो बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट करेंगे, उनको देख के आप मत करना। दैट्स इट, थैंक्स। होप सो कि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ मिल गया होगा और आपको एक प्लान मिल गया होगा कि आपको कैसे नेक्स्ट 90 डेज को आपको यूटिलाइज करना है। दिस इज फॉर सेमी फाइनल बोथ ग्रुप स्टडी प्लानिंग। थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।